हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज, डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोटाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 आवर, द अगार वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलियोटाइल स्टम्प्स. ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट? सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एफ वेंट थे, उन्होंने देखा कि जो कोलियोटाइल टिप्स थी उनको जब उन्होंने रिमूव किया और अगार पे रखा फॉर 1 आवर, सो अगार जो था उसने बेंडिंग प्रोड्यूस की जब उसको कट कॉलियोप्टाइल्स पे एक साइड रखा गया. सो इससे क्या सिग्निफिकेंस, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं. इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड, इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस एंड इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट IAA, दैट इज इंडोल-3-एसिटिक एसिड, इज ऑक्सीजन. एंड फोर्थ, इट डिमॉन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन्स. की कॉन्सेप्ट, तो बायो एसे इज यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, लाइक हॉर्मोन्स. सो ये हॉर्मोन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए बायो एसे यूज होता है. एंड दी अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट इज अ बायो एसे जिसे सबसे पहले किया था, फर्स्टली डन बाय FW वेंट. एंड ये किया गया था, इट इज फॉर IAA, इंडोल-3-एसिटिक एसिड, जिसे नेचुरल ऑक्सीजन कहते हैं. सो ये इसके लिए जो है FW वेंट ने अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट किया था, जो कि एक बायो ऐसे होता है यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस लाइक हेयर ऑक्सीजन, विच इज अ प्लांट हॉर्मोन. एंड ये जो बायो एसेज होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड ये स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी हार्मोन के उसको डिटरमाइन करते हैं बाय मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट मटेरियल. अवीना जो होता है, ये जो अवीना सटाइवा है, इसे है ओट्स. सो ओट्स की जो कोलियोप्टाइल्स थी जो फ्यूचर शूट बनाती है, उनमें उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. जो वेंट थे उन्होंने ये ओट्स की फ्रेशली कोलियोप्टाइल्स जो थी इनको डीकैपिटेट किया था. इनका जो टॉप मोस्ट पार्ट था उसे रिमूव कर दिया था एंड ये जो रिमूव्ड कोलियोप्टाइल पार्ट्स थे इनको इन्होंने अगार ब्लॉक पे प्लेस कर दिया था एंड उसके बाद फिर से जो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल थी उसके ऊपर इन्होंने जब इस अगार ब्लॉक को प्लेस किया वन साइड पे, जो कोलियोप्टाइल्स थी उन्होंने एक बेंडिंग और एक कर्वेचर जो है वो शो किया एंड ये शो किया था टुवर्ड्स लाइट. ये जो एंगल ऑफ कर्वेचर था, ये जो एंगल ऑफ कर्वेचर था ऑफ ए डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल आफ्टर प्लेसिंग एन अगार ब्लॉक, जिसमें क्या था ऑक्सिन, क्योंकि जो ऑक्सिन होता है वो एपिकल पार्ट्स पे और एपिक्सिस पे प्रोड्यूस होता है. जो एपिकल पार्ट्स होते हैं वहां पे ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है. वहां से ये ऑक्सिन जो है वो इन अगार ब्लॉक्स पे थ्रू डिफ्यूजन
डिफ्यूज कर गया था, और जब इसको यहाँ प्लेस किया तो जो शेड साइड वाली जो सेल्स थी उनके अंदर ये ऑक्सीजन क्या कर गया, ट्रांसपोर्ट, एंड उसकी वजह से ये जो बेंडिंग है वो शो हुई। एंड इसी एंगल को जो है ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल जो है वो मेजर किया, जिसमें अगार ब्लॉक जो था उसके उससे क्या गया था, ऑक्सीजन हार्मोन। सो इट इज सीन दैट व्हेन कोलियोप्टाइल टिप्स आर प्लेस्ड ऑन अगार, सो अगार ने क्या किया, प्रोड्यूस की ये बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड जब ये प्लेस किया था अगार ब्लॉक, जो फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम्स थी, यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो बेंडिंग शो की, दिस बेंडिंग जो शो की इट वॉज ड्यू टू द पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टेम। सो जो ऑक्सीजन का पोलर मूवमेंट हुआ, पोलर मूवमेंट मींस जो सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको पोलर मूवमेंट कहते हैं। सो ये पोलर मूवमेंट जो है इसकी वजह से जो है ये बेंडिंग शो हुई। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो फोर करेक्ट ऑप्शन, सो दिस एक्सपेरिमेंट जो है डिमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो फर्स्ट है कि इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस वन इज इनकरेक्ट बिकॉज जो आइसोलेशन था एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन वो सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से किया गया था ऑक्सीजन का। एंड इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। सो ये करेक्ट है वैसे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है बायो एस से जो यूज होता है उसमें हम एक जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेजर करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ने ये जो कॉज ऑफ बेंडिंग है वो जो शो की, जिसे ग्रोथ कहते हैं। जो सिग्निफिकेंस हमसे पूछा है, ये सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दिस इज द बेसिस। एंड जो थर्ड है कि इट सपोज द हाइपोथेसिस दैट IAA इज ऑक्सीजन, सो ये इनकरेक्ट है। क्योंकि जो IAA की फुल फॉर्म है वो है इंडोल थ्री एसेटिक एसिड। सो ये एसिड ग्रोथ टेस्ट से जो है उसने ये हाइपोथेसिस दी थी दैट IAA इज ऑक्सिन। यहाँ पे ये जो कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट है वो सपोर्ट नहीं करता इस हाइपोथेसिस को। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।